2 जून 2023 जिस दिन ओडिशा में 3 ट्रेन आपस में टकराई जहां पर 288 लोगों की मौत और 1100 लोग इंजर्ड हुए। पर ये सब हुआ कैसे, देखिए शाम को 6:55 पर एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी और तभी अपोजिट साइड से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस दूसरे साइड से जा रही थी और उसी जगह पर दो मालगाड़ी भी खड़ी थी। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल दिखाया गया जिसकी वजह से वो ट्रेन 128 किलोमीटर की पर आवर स्पीड से जा रही थी, लेकिन इसी जगह ट्रेन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की पर आवर स्पीड मालगाड़ी से टकरा गई जिसके वजह से अपोजिट साइड से आने वाले यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के लास्ट दो डब्बे भी टकरा गए। अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस को रेड सिग्नल दिखा दिया होता तो फिर ये एक्सीडेंट होता ही नहीं।